मीटर में भी दिखाइए। जैसे कि हमने इसमें ब्रेक पैड डाले हैं और इसके ब्रेक की लाइट रीसेट करनी है हमें, तो जैसे हमने ब्रेक पैड डाल लिया, ठीक है, थ्री टाइम इसको प्रेस करके रखना स्टॉप स्टार्ट बटन को, ठीक है, थ्री टाइम करते ही इसमें मीटर में इग्निशन आ जाएगा, ठीक है। इग्निशन आते फिर ये वाला बटन होता है जो कैलेस्टर मीटर में, हमको इसको प्रेस करके रखना है, तो इसको प्रेस कर लिए। जैसे प्रेस करके रखा गाइस हमने, ये फ्रंट ब्रेक पैड रिसेट, लेकिन इसमें 900 किलोमीटर हमारी माइनस में जा चुकी है, तो उसको हम करते हैं रिसेट। फिर एक और बार प्रेस करते हैं, रिसेट पॉसिबल, फिर लिखा है परफॉर्म रिसेट, तो फिर एक और बार प्रेस करेंगे गाइस, ठीक है ना, ये अब रिसेट प्रोग्रेस में जा चुका है। रिसेट अनसक्सेसफुली, तो रिसेट अनसक्सेसफुली क्यों है गाइस, क्योंकि ये 900 किलोमीटर हमारा माइनस में जा चुका है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हैंड ब्रेक है इधर आओ, अनसक्सेसफुली को हमको सक्सेसफुली करना है तो रिसेट इसको डाउन करना है हैंड ब्रेक को, ठीक है गाइस। उसके बाद फिर दोबारा से हमको इसको प्रेस करके रखना है, फिर वही प्रोग्रेस रहेगा हमारा। फिर इसको प्रेस करके फिर एक और बार प्रेस करिए, परफॉर्म रिसेट, फिर एक और बार प्रेस करिए गाइस, रिसेट सक्सेसफुली, ठीक है गाइस। फ्रंट वाला हमारा सक्सेसफुली हो गया, अब हमको एक और करना है रियर वाला, ठीक है, इसको भी दबा के रखना है, फिर एक और बार दबाना है, तो रियर ब्रेक पैड भी सक्सेसफुली हो गया गाइस। तो इसी तरह कभी भी अनसक्सेसफुली आए आपको बार बार ब्रेक पैड सेंसर नहीं चेंज करना है, ये प्रोसेसर इस्तेमाल करना है। तो ऐसे ट्रिप और ट्रिक के लिए मुझे फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।